कैमरा कहीं रखे होगा पक्का छोड़ टिकटॉक का वीडियो लगे होना बनाना ओ डैडी टिकटॉक का वीडियो नहीं क्यूएनए वीडियो लगी बनाना हां चला तो है तुझे क्यूएनए वीडियो ओ तो अंजू नहीं पता चला तो हां वीडियो तो बना ले पुत्रा पर जे रोला पिया ना तो मैं छरना नहीं है तू ओ नहीं बांगे रोला चला तो हां बर्थडे बॉस मैं हूं वीडियो बनाने लगे हो की तरफ से आप सभी को नमस्कार और पहली बार हम क्यों वीडियो कर रहे हैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं और आपके बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन हम सबको मिले हैं और ये क्वेश्चन हमने फेसबुक इंस्टाग्राम और यूट्यूब से उठाए हैं और जिनके हम रिप्लाई नहीं दे सकेंगे उनको दिल से सॉरी नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे उनका रिप्लाई दे सके तो चलिए क्यों वीडियो शुरू करते हैं तो दिव्य और सजनो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं पहला क्वेश्चन है 5 करोड़ रुपए के लिए ओ भाई केबीसी नहीं चल ले तू ओ मैं भूल गया तो पहला क्वेश्चन पूछा है हेमंत भाई ने भाई इंजीनियरिंग करके कैसा लग रहा है पहला क्वेश्चन ही दर्द भरा टोटे टोटे हो गया नी दिल टोटे टोटे हो गया तो भाई इंजीनियरिंग करो अच्छा लगता है तो भाई इसका आंसर ये है कि अगर आज हमने इंजीनियरिंग नहीं की होती तो आज शायद हम यूट्यूबर नहीं होते क्योंकि हर यूट्यूबर के पीछे इंजीनियरिंग का हाथ होता है तो अगला क्वेश्चन पूछा है रविंद्र कुमार ने आप तीनों में से सबसे ज्यादा रोता कौन है वेरी गुड क्वेश्चन तो हम इंजीनियर दिखाए दिखते रहते आस देखना चाहते ने तंज पता ही है अगला क्वेश्चन पूछे तो अगला क्वेश्चन पूछा है भारती शर्मा ने प्लीज शो अस योर कंफ्यूज फेस अब पापा से मार पीटेगी फेस रोमांटिक फेस आई डिड नॉट डू इट फेस अभी ये मेरे से पिटेगा फेस ज्यादा और एक्टिव मत कर जल कुलना जाने सबसे पहले ही नटदा तो अगला क्वेश्चन पूछा है कनिका दीमान ने ये पूछते हैं आप तीनों अपनी फेवरेट थिंग्स बताओ जैसे कलर फूड और एप्स मेरा फेवरेट कलर है ब्लैक एंड व्हाइट और मेरी फेवरेट फूड है मक्की की रोटी और सरसों का साग और मेरी फेवरेट ऐप है इंस्टाग्राम और मेरा फेवरेट कलर है ब्लैक और फूड है पिज्जा और ऐप्स है इंस्टाग्राम और यूट्यूब और मेरा कलर है ब्लू और फूड है बर्गर और ऐप है इंस्टाग्राम और फेसबुक अगला क्वेश्चन पूछा है चाच शर्मा ने आपका स्कूल लाइफ में फेवरेट सब्जेक्ट क्या था मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ था पक्का मैथ था हाँ पक्का जो मर्जी पूछ तू इससे पहाड़े पूछ लेंदे पूछे दो दुने चार चार दुने आठ आठ दुने सोलह अठे अठे अठासी अठासी तू बड़ा सारा तेरा क्या फेवरेट सब्जेक्ट मेरा हा हिस्ट्री हिस्ट्री हा अच्छा ये दस टीपू सुल्तान ने पहली जंग कालू लड़ी थी टीपू सुल्तान ने पहली जंग लड़ी थी तल मैं कुरकुरे लोना गया हा तिन्नी दो कुलाड़ियां लिया हिया दो तलवार लिया हिया दो चाकू ले कने बड़े बड़े गुस्से छा बोला मैं जंग लड़ना चलिया कने मैं तुझे बोला जंग लड़ी ना होया कने जीती ना होया ता सह कोई जून दे महीना हा लग्या कने 2018 ओ भाई हाड़ी पिंडी वाला टीपू वाला सुल्तान नी टीपू सुल्तान राजा हा राजा क्या टीपू सुल्तान राजा अरे ती नहीं पता मिंजो तू बड़ा बोला था तू दस अपना फेवरेट सब्जेक्ट मेरा संस्कृत पक्का संस्कृत इससे पूछते ना राम शब्द बोल राम राम शब्द बोल राम ओ शब्द बोल राम ओ भाई शब्द तो बोला राम 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 नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन पूछा है आशीष दीमान ने इन्होंने पूछा योर फेवरेट प्लेस इन हिमाचल वैसे तो पूरा हिमाचल ही खूबसूरत है बट फेवरेट प्लेस की बात है तो कांगड़ा और बरोट और मेरा फेवरेट प्लेस है चंबा खजियार और मेरा फेवरेट प्लेस है कुल्लू मनाली और आपका कौन सा है कमेंट करके बताओ तो अगला क्वेश्चन पूछा है अक्षय भारद्वाज ने आप तीनों में कौन है जो ज्यादा झूठ बोलता है कभी कभी बोली नहीं है ज्यादा झूठ नहीं बोलता मैं पक्का झूठा है आया मैं ए बुज्जा अगला क्वेश्चन पूछा है इट्स नाजिया मुझे वो सामने वाली पूरी बिल्डिंग पसंद है क्या खरीदोगे अन्नी रिया मजाक है तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन पूछा है अराना आदित्य ने भाई अपनी फीलिंग बताओ जब आपकी फर्स्ट वीडियो ट्रेंडिंग में चली थी भाई फीलिंग उस टाइम मतलब बता नहीं सकते बट उस टाइम जो महसूस कर रहे थे इतनी खुशी थी मतलब फर्स्ट टाइम पुनीत ने मुझे बताया था कि हमारी वीडियो ट्रेंडिंग में चली है मैं बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर रहा था कि हिमाचल के लड़के कहाँ ट्रेंडिंग में पहाड़ी लैंग्वेज के साथ हो ही नहीं सकता कभी सपने भी नहीं सोचा था ये चीज़ बट जब मैंने देखा तो भाई साहब मैं इतना चिल्लाया जो आसपास लोग लगे थे खेतों में वो सोच रहे थे कि क्या क्यों चिल्ला रहे हैं बट उनको नहीं पता हमारी खुशी क्या थी उस टाइम मतलब
बहुत ज़्यादा खुशी। और मैं अपनी बताऊं, ये दिन मेरे लिए बहुत बड़ा दिन था क्योंकि उस दिन मेरा जन्मदिन भी था। हाँ, भाई का बर्थडे था उस दिन। तो मैं यहाँ कांगड़ा में नहीं था, मैं था जलंधर में। तो मेरे मामा जी के लड़के का उस दिन रिजल्ट निकला था और वो रो रहा था और मेरा तभी फ़ोन बजता है। फिर मैंने देखा पुनीत की कॉल आ रही है तो मैंने फ़ोन उठाया। पुनीत बोलता है वीडियो देख, इसका पहला ही बर्थ ये था, वीडियो देख ट्रेंडिंग में हम। मैंने बोला यार क्यों मेरे जन्मदिन पर ऐसा मजाक कर रहा है क्यों? बोलता है नहीं नहीं तू वीडियो देख। मैंने तभी YouTube खोला, मैंने देखा वीडियो ट्रेंडिंग पे चली हुई है। मैं इतनी ज़ोर से उछला, मेरा भाई रोता रोता बोलने लगा तेरे को क्या हो गया? मैंने बोला भाई तू रोना छोड़, वीडियो देख ट्रेंडिंग पे है, ट्रेंडिंग पे। बोले भाई वीडियो ट्रेंडिंग में मतलब क्या होता है? मैं तू नहीं समझ सकता, ये मैं ही समझ सकता हूँ वीडियो। तू बस रोना छोड़ दे और हंसना शुरू कर दे क्योंकि हम ट्रेंडिंग में हैं, हिमाचल के लड़के ट्रेंडिंग में है। तो बड़ी खुशी हुई थी उस दिन बहुत ज़्यादा जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि हमारी वीडियो ट्रेंडिंग कर रही है। मतलब तो मैं समझ नहीं आ रहा कि मैं किसके साथ शेयर करूँ, तो मैंने सीधा इसको कॉल की सचिन को। मैं क्या ऐसे ऐसे भाई हम ट्रेंडिंग में चलते, कहता क्या यार क्यों मजाक कर रहा मेरे साथ? मैं क्या सीरियसली हम ट्रेंडिंग में चल रहे हैं? तो उसने एक दो बार मैंने इससे बताया तो उसने चेक किया होगा, तब इसे ट्रस्ट हुआ। फिर मैंने रजत को कॉल की दूसरी टाइम, तो रजत भी यकीन तो नहीं कर रहा था। फिर बाद में उसने देखा होगा तो मतलब काफ़ी तीनों काफ़ी ज़्यादा खुश थे। मतलब किसी से हम शेयर भी नहीं कर सकते थे आपस में। फिर मैं और सचिन मिले, हमने काफ़ी मतलब खुश थे हम दोनों ही। बस ऐसे ही हम अपनी जो भी खुशी जाहिर की हम तीनों ने, हमें खुशी मिली। शायद आपको भी खुशी मिली होगी क्योंकि हिमाचल के लिए ट्रेंडिंग में पूरा हिमाचल खुश था, तो बहुत अच्छा लगा उस टाइम। और जितना आप लोग सभी प्यार करते हो मतलब अनएक्सपेक्टेबल है। और अभी भी सफर जारी है, ट्रेंडिंग में चले हम, तो सब आपका प्यार है, ऐसे प्यार बनाए रखें। तो अगला क्वेश्चन पूछा है पारस बर्ण है, ये पूछते हैं भाई आप यूट्यूबर ना होते तो क्या होते? यूट्यूबर भाई आप यूट्यूबर ना होते तो क्या होते? अगर हम यूट्यूबर नहीं होते तो कांगड़ा बॉयज नहीं होते। अगर कांगड़ा बॉयज नहीं होते तो किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे होते। अगर प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे होते तो धक्के खा रहे होते। मैं जॉब जाऊं या ना जाऊं बेबी मेरी मर्जी। मैं यूनिफॉर्म डालूं या ना डालूं बेबी मेरी मर्जी। मैं उल्टे जूते डालूं या ना डालूं बेबी मेरी मर्जी। मैं नरेगा जाऊं या ना जाऊं बेबी मेरी मर्जी। बस भाई बस समझी होने कंपनी लगे होने धक्के खा दे जाऊं या ना जाऊं बेबी मेरी बस मार्ट। बस तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है चाहत ने, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? जी हाँ, हमारे टूथपेस्ट में नमक है। तो अगला क्वेश्चन पूछा है आयुष चौहान ने, अपनी वीडियो में से आपकी फेवरेट वीडियो कौन सी है? ओनली वन। एंड आपका फेवरेट यूट्यूबर कौन है? तो मेरी फेवरेट वीडियो है दोस्ती और फेवरेट यूट्यूबर है हर्ष बेनीवाल। और मेरी फेवरेट वीडियो है होली पार्ट टू और फेवरेट यूट्यूबर है हर्ष बेनीवाल। और मेरी फेवरेट वीडियो है बापूरेड और फेवरेट यूट्यूबर है कांगड़ा वॉइस। क्वेश्चन पूछा है सोल्जर मनी पबजी ने, भाई जर्नी कैसे स्टार्ट हुई यूट्यूब पे और सबसे पहले आइडिया किसको आया और स्क्रिप्ट कौन लिखता है? तो भाई जर्नी कुछ इस तरह स्टार्ट हुई, हम स्टार्टिंग में डमेश वीडियो बनाते थे और टाइम पास करते थे और हमारा कोई इरादा नहीं था कि यूट्यूब पे वीडियो डालें और चैनल बनाएं। तो भाई ने मुझे बोला कि यूट्यूब पे चैनल बनाते हैं और वहाँ पे वीडियो अपलोड करते हैं, तो वहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई और हम वीडियो डालते गए और आपका प्यार मिलता गया। और स्क्रिप्ट कौन लिखता है? हम तीनों स्क्रिप्ट लिखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कटवाल भाई ने, पहाड़ी कंटेंट का आइडिया कैसे आया? पहाड़ी कंटेंट का आइडिया कुछ इस तरह से आया, हमने स्टार्टिंग में देखा हर कोई हिंदी में वीडियो बना रहा था, हमने भी एक दो वीडियो हिंदी में बनाई थी बट इतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। उसके बाद हमने पहाड़ी में ट्राई किया तो पहाड़ी में इतना अच्छा रिस्पांस मिला तो हमने सोचा क्यों ना पहाड़ी कंटेंट में अब सारी वीडियो बनाई जाए। और इससे हमारा कल्चर भी आगे जा रहा है और हमारी भाषा को भी बहुत से लोग सीख रहे हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है रिशु ने, फर्स्ट वीडियो पे कितने व्यूज आए थे? आए थे कि नहीं आए थे? आए हेरा, मेरे ख्याल स्तुंजा है, ठुंजा हेरा, ओ साठ है, ओ स्तुंजा है, ओ ठुंजा है, ओ साठ है, ओ पाई ठुंजा है, ओ साठ है, साठ मैं बोल पाई मैं गला साठ है, ओ ठुंजा है, ओ मैं गला साठ था। अगला क्वेश्चन पूछा है रीना कुमारी ने, आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? तो आंसर भाई फेवरेट एक्ट्रेस है कैटी। कैटी? ओहो मेरा मतलब कैटरीना कैफ। अच्छा अच्छा, तो आड़ी भाई मेरी जैकी। जैकी? जैकलीन फर्नांडिस। अच्छा अच्छा, तेरी बबली। बबली कौन? बंटी बबली? नहीं नहीं बबली। बबली कौन है? ओ पिंडियाली बबली, सैको हीरो ना ते काटे। अगला क्वेश्चन पूछा है मनन भाई ने, आप तीनों में सबसे ज्यादा बदमाश मुंडू कौन है?
गल हो सारे खास कने मैं कांगड़े का बड़ा बदमाश। तो अगला क्वेश्चन है शुभम कौंडल का। नमस्कार तुहां सारे जो तुहां एक गल दसा तुहां पहाड़ी बचपने ते बोल दे आए कि बीटेक दे बाद सीखी हो है। मेरी मम्मी तुहां दी बड़ी बड़ी फैन है कने मैं भी। थैंक यू सो मच तुहाड़ी मम्मी वास्ते कने तुहाड़े वास्ते भी कने अहां पहाड़ी बचपन ते बोल दे आए अहां कॉलेज भी सारे पहाड़ी बोलते है। अगला क्वेश्चन पूछा है फ्री फायर एस डी ने अपने फेवरेट WWE सुपरस्टार के नाम बताओ तीनों। तो मेरा फेवरेट सुपरस्टार जॉन सीना, मेरा WWE सुपरस्टार रोमन रेंस और मेरा गोल्डबर्ग। तो मेरा भी पूछ लिया। डैडी तुम्हारा कौन देवे? अंडरटेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा है बिना जंद्रोतिया ने। भाई आप सब सिंगल हो क्या इतने बड़े स्टार होकर भी? गलता बिल्कुल पॉइंट दी है। इन्हें पता किया लगा कि हाँ तीनों सिंगल ने? मिंजो लगा था कोई ना कोई हाड़ियाँ गल्ला बाहर पहुंचा दा वै। वो चुप चुप इन कर दिया। अगला क्वेश्चन पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पागल रिकॉर्ड्स की तरफ से। भाई यूट्यूब पर आपको कितना टाइम हो गया वीडियो बनाते हुए और आपकी लाइफ का सबसे सैड मोमेंट कौन सा था? हमने वीडियो बनाना 2017 से स्टार्ट किया था, लगभग 2 साल हो गया हमें वीडियो बनाते हुए। और हमारी लाइफ का सबसे सैड मोमेंट था जब हमने चंडीगढ़ द क्रेज वाली वीडियो डाली थी और वो किसी कारण डिलीट हो गई थी। उस वीडियो के एक हफ्ते में 6 लाख से ऊपर व्यूज आ चुके थे और ट्रेंडिंग 5 पे चली थी, तो वो हमारे लिए सबसे सैड मोमेंट था। अगला क्वेश्चन पूछा है कनिका ने। बताओ कि बचपन की कौन सी बात पे सबसे ज्यादा हंसी आती है आपको? बचपन की सिर्फ एक ही बात है जिसको आज भी सोचते हैं तो बड़ी ज्यादा हंसी आती है। वो ये थी कि जब हम छोटे थे तो गिल्ली डंडा खेलते थे, हम सारे गिल्ली डंडा खेलते थे। मैंने एक शॉट मारा तो नीचे पनीत खड़ा था कैच करने के लिए और वो कैच करते करते इतना पीछे चला गया, पीछे एक नाला था वो कीचड़ से भरा, वो कैच करते करते सीधा नाले में गिरा और जब वो नाले से बाहर निकला कीचड़ से, मतलब पूरा शरीर इसका कीचड़ में था, तो वो पहचान में नहीं आ रहा था कि वो पनीत है या कोई और। तो उस बात को आज भी सोचते हैं तो बड़ी ज्यादा हंसी आती है हमको। ज्यादा और सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमें सभी लोगों ने यही पूछा कि आपकी यूट्यूब की अर्निंग कितनी है। तो मैं डोगरे टेंशन के लाया तू शर्मा दा कहे बाकी यूट्यूबर नहीं दसदे तां के होया तू तां दस खुल्ला होइना दस। और टेंशन त जे पता लेंदे नहीं हां नोटे थवियां सनी थवियां करारी करारी नोट 500 1000 ओ छोरू जेड़े मैं प्यागा फीस है पैसे देते हो रखे ना संभाली ना। हां जी डैडी फीस रखी मैं संभालना है। हां जी हां जी लगी है पता, बस खर्चा पानी निकलता बाकी तक किया वे फीस मेरी गलती है ना निकली ही। और अगला क्वेश्चन पूछा डीएस गेमर्स ने। बट यू रिएक्शन व्हेन यू हिट 10 मिलियन सब्सक्राइबर? ना 1 मिलियन ना 2 मिलियन सीधे 10 मिलियन इतना बड़ा मजाक पाइया मत कर करो। ओ भाई ओ मुंडे ओ भाई मेरे बारे तो छड़ा इन्हें बारे तो सोची लेंदे जेडे 1000 सब्सक्राइबर होया थे इतने उठ के हे तो ता 10 मिलियन बोली था। चलो हुन ता 10 मिलियन बोली देते मैं इक्की बंदे फोन ही कर लेंदा। हेलो ओ मैं माचले ते बोला 10 मिलियन आला ओ पाइया बोले मेरे 10 मिलियन होई हो। हां तू बड़ी मुड़का मारा ना। हां भाई तेरे 10 मिलियन सब्सक्राइबर होई हो फोन ने रख करा चल बड़िया मुड़का मार दे। चलो फीलिंग ले लेंदे 10 मिलियन दी वही रहेंगे गत की थोड़ा प्यार रहेगा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है शुभम धीमान ने। मैरिज कालू करनी? क्या मैरिज एक दिन गया मिंजे लगा था इसे ब्याह करने बड़ी बड़ी काली लगी ही। अबो ए भी नसीजा ए तू ब्याह दी उम्र मेरी निकल आई कने इना दुनिया बड़ी बड़ी काली लगी हो दसदा मैंने पुत्र ब्याह तो मैं ही करना पहले। हेलो दोस्तों तुम्हारी फर्स्ट क्यों ने वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना शेयर करना और कमेंट भी जरूर करना। जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जाके सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच।